हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म टू ऑल द बॉयज ऑलवेज एंड फॉरएवर के रिव्यू के बारे में। टू ऑल द बॉयज ऑलवेज एंड फॉरएवर ये एक रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म है जिसे 12 फेब को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। फिल्म को डायरेक्ट किया है माइकल फिमोगेनारी ने और इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है। और फिल्म की कास्ट में है लाना कॉन्डोर, नोवा सेंटिनियो, एना कैथकार्ट एंड जॉन कॉर्बिन। और ये फिल्म भी अपने पिछले पार्ट्स की तरह ही बेस है सेम नेम की नॉवल पर जिसे लिखा है जेनी हैन ने। कहानी फोकस करती है एक बार फिर लारा जैन पर जो अब हाई स्कूल के सीनियर ईयर में है जो अब खत्म होने वाला है और लारा तैयारी कर रही है पीटर के साथ सेम कॉलेज में जाने की। तो कुछ इसी पर फोकस करता है फिल्म का थर्ड पार्ट जिसमें आगे क्या कुछ होता है वही सब जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना होगा जिसका नाम है टू ऑल द बॉयज ऑलवेज एंड फॉरएवर। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म को कुछ इसी तरह बनाया गया है कि अगर आपने इसके पिछले दोनों ही पार्ट्स नहीं देखे हैं तो भी आप काफी आराम से इस फिल्म को देख सकते हो। पर फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप पहले इस फिल्म सीरीज के पिछले दोनों ही पार्ट्स को देख ले जिनमें से फिल्म का फर्स्ट पार्ट इस फिल्म सीरीज का बेस्ट पार्ट, वहीं सेकंड पार्ट फर्स्ट जितना बेस्ट तो नहीं है पर एक अच्छी टाइम पास फिल्म है जिसे आप एक बार तो देख सकते हैं। वहीं बात करूं थर्ड पार्ट की तो फिल्म का प्लॉट काफी सिंपल और प्रेडिक्टेबल है जिसकी स्टार्टिंग से ही हमें ये पता होता है कि फिल्म में आगे क्या होगा और फिल्म का एंड किस तरीके से होगा। पर फिर भी ये एक परफेक्ट टीनेज रोमांस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे मैंने देखते वक्त काफी इंजॉय किया जिसका रीजन है फिल्म में प्लॉट की प्रेजेंटेशन जो कि बहुत नई बल्कि काफी अच्छे से की गई क्योंकि ये फिल्म टीन लाइफ, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स में चल रही प्रॉब्लम्स को काफी अच्छे से हमारे सामने प्रेजेंट करती है जिसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी फिल्म की राइटर कैथी लवजॉय और फिल्म के डायरेक्टर माइकल फिमोगेनारी की क्योंकि नो डाउट फिल्म का डायरेक्शन भी काफी ज्यादा बढ़िया है। फिर चाहे कॉस्ट्यूम हो या लोकेशन सब कुछ फिल्म में अच्छा है। इसीलिए आगे बढ़ते हुए बात करूं एक्टिंग की तो फिल्म में आपको सभी एक्टर्स की अच्छी एक्टिंग ही देखने को मिलेगी। पर फिर भी किसी की अलग से तारीफ करनी हो तो वो नाम होगा फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस लाना कॉन्डोर का जिनकी एक्टिंग और कैरेक्टर की वजह से ही हम स्टार्ट टू एंड तक फिल्म से कनेक्ट रहते हैं और यही जानना चाहते हैं कि फिल्म में लारा जेन की लाइफ में आगे क्या कुछ होगा। और जब बात कैरेक्टर्स की चल रही है तो पिछले दोनों ही पार्ट्स की तरह फिल्म के थर्ड पार्ट में भी कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट काफी अच्छे से की गई है। पर अगर आप सीधा इस फिल्म को देखते हो तो शायद आपको ये कैरेक्टर्स उतने पसंद ना आए क्योंकि फिल्म के तीनों ही पार्ट्स में कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से डेवलप किया गया है ताकि फिल्म में इन कैरेक्टर्स के साथ कुछ भी बुरा हो तो उसका इम्पैक्ट ऑडियंस पर भी पड़े जिसमें ये फिल्म पूरी तरीके से पास होती है। वहीं बात करूं बीजीएम की तो फिल्म का बीजीएम भी अच्छा है और फिल्म में कॉमेडी भी डिसेंट है। वहीं बात करूं वीक पॉइंट की तो फिल्म का वीक पॉइंट है फिल्म की एडिटिंग क्योंकि फिल्म की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे और 55 मिनट की है जो फिल्म देखते वक्त थोड़ा बहुत फील तो होती है। तो ओवरऑल मेरी नजर में ये एक परफेक्ट टीनेज रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। बस कुछ सीन्स के चलते आप इस फिल्म को फैमिली के साथ नहीं देख सकते पर इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है और फिल्म का हिंदी डब अच्छा है। फिल्म टू ऑल द बॉयज ऑलवेज एंड फॉरएवर को मैं दूंगा 3.5 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था फिल्म टू ऑल द बॉयज ऑलवेज एंड फॉरएवर को लेकर मेरा रिव्यू। पर अगर आपने ये फिल्म पहले से ही देख रखी है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।